तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आपसे ज़्यादा ताकतवर वाला इंसान आपको परेशान करे तो आप उसको अच्छी तरह से सबक सिखा के अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना वीडियो को देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपसे ज़्यादा ताकतवर वाला इंसान आपके ऊपर अटैक करे तो आप कैसे सेल्फ डिफेंस करेंगे, ठीक है? तो चलिए अभी मैं बताता हूँ, ठीक है? जैसे कोई, यही समझ लीजिए अभी आपका में से ज़्यादा ताकतवर वाला है, ठीक है? ये हमको ऐसे परेशान कर रहा है, ठीक है? ऐसे आगे मारने जा रहा है, ठीक है? तो आप उसको कैसे सेल्फ डिफेंस करिएगा, ठीक? जैसे आई वहाँ करो, ठीक है? जैसे कर रहा है फिर वन, ठीक है? आपको आप देखे होंगे मेरे वीडियो को, फॉलो मेरे वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते होंगे, तो हर सेल्फ डिफेंस में भी बताता हूँ कि जब भी वो पंच मारे तो आप हाथ को ऊपर कर ले। और ये सबसे पहला बात कि आप ऊपर हाथ करते हो तो इसको ढीला ना रखें, ठीक है? इसको एकदम टाइट से ऐसे पंच करके बांध ले। मैं थोड़ा प्रोफेशनल हूँ तो हम अपना हाथ ऐसे भी रखते हैं तो ये टाइट रहता है तो बच सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप लोग जब भी या आप लोग जो ब्लॉक करें तो अपने पंच को बांध लें और ऐसे टाइट से रखें। इससे क्या होगा, जब मारो मारो ये आगे नहीं आएगा, ठीक है? आप ढीला रखते हो, मारो ऐसे हो जाएगा। कैसे लगा हमको, वैसे ही आप लोगों को भी लगे। ये नहीं कि खाली ऐसे उठा देने से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है? इसको टाइट रखना भी पड़ता है, ठीक? मारो, अटैक करो वन। अब यहाँ से क्या होता है कि हम लोग वीकनेस पॉइंट पे हम लोग हिट करेंगे, ठीक है? हमारा बॉडी में, ठीक है, वीकनेस पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है? लेकिन जो हट्टा कट्टा ताकतवर हम लोग से रहेगा तो उसको खाली अब इधर उधर मारने से कुछ नहीं होने वाला, खाली वीकनेस पॉइंट पे ही हिट करेंगे तो ही जाके उसको हम लोग अच्छा से सबक सिखा सकते हैं, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहला है कि ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा इंजरी कर देना है उसको, कि ऐसे मारना है कि उसको सबक सीख जाए कि दूसरा को कभी परेशान ना करे, ठीक है? जैसे मारा, मारो वन। अब यहाँ से, ठीक है, इसका नेक पे मारना है, ये ऐसे करके और उसका हिट करना है, ठीक है? वो तुरंत ही आपका छटपट आ जाएगा और अपना अपना कंट्रोल अपने बॉडी से कंट्रोल छोड़ देगा, ठीक है? हिट करो वन, ठीक है, ये तुरंत। उसके बाद आपको करना क्या, आप उसको पटकना है, ठीक है? तो उसको करेंगे कैसे, ये लेफ्ट पैर है जो, ठीक है, आपको उसका राइट पैर का और उसका कमर को ऐसे करके होल्ड करना और अपने हिप को उसके पेट के पास सटाना है और ये हाथ, ठीक है, पूरा घूम के आओ, घूम के आओ। ये हाथ जो देख रहे हो ना आप लोग, ये हाथ को पूरा होल्ड करके करना और उसको टानना है और ये हिप को देखो जैसे है, उसको कैसे पकड़ना है, या उसका बेल्ट पहना हो तो उसको बेल्ट पकड़ लीजिए या नहीं तो उसको ऐसे होल्ड टाइट से कर लीजिए, देखिए, ठीक। अब यहाँ से हिप को अंदर करेंगे और इसको टानेंगे और इसको इसे दबा के रखेंगे, अपना क्लोज करेंगे, ठीक है? देखिए ऐसे करते हैं, ठीक है? फिर से उठ जा। तो दोस्तों, आप लोग अभी देख रहे होंगे कि मैं आराम से इसको गिरा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि कस के गिराऊंगा तो चोट लग जाएगा, तो आप लोग ओपोनेंट आपका रहेगा तो आप उसको कस के पटके, ये नहीं कि आप इसको नॉर्मल जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे करिएगा, ठीक है? तो गाइस, अब मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलो आ जाए। तो गाइस, मैंने आप लोगों को जिस तरह से सेल्फ डिफेंस टेक्निक बताया है, आप उसको फॉलो करोगे तो आप अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान को आप उसको अच्छी तरह से सबक सिखा के आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। तो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। तो गाइस, अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।